आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे बंदरों के बारे में ऐसी बातें जो शर्तियां आप नहीं जानते होंगे। आप सभी ने बंदरों को बचपन में देखा होगा, आज भी देखते होंगे, आज भी खेल वाला बंदरों का खेल दिखाता होगा। इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि बंदर बहुत समझदार होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप सभी को पता होगा कि हर साल 14 दिसंबर को बंदर दिवस मनाया जाता है। जापान में एक रेस्टोरेंट में बंदरों को एक वेटर की तरह काम करवाया जाता है। साल 1949 में एक बंदर को 133 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ाया गया। उसका नाम एल्बर्ट 2 रखा गया था। सभी बंदरों के पास खुद का फिंगरप्रिंट होता है। बंदर और एप में सिर्फ एक पूंछ का फर्क होता है। चिंपांजी दुनिया में मौजूद सबसे होशियार जानवर है। बंदरों में टीबी की बीमारी बहुत आम है। हॉलर नाम के बंदर की चीख 5 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। जब बंदर को शीशा दिया जाता है तो ये सबसे पहले अपने गुप्तांगों का निरीक्षण करते हैं। बंदर एक दूसरे से बात करने के लिए आवाज़ और इशारों का इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया और थाईलैंड में नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ने के लिए बंदरों की ट्रेनिंग दी जाती है। बंदरों का दिमाग दक्षिण एशिया में खाया जाता है। धरती पर सबसे छोटा बंदर 4.6 इंच का होता है, या है समझ लीजिए। बंदरों और आदमियों का 98% डीएनए आपस में मिलता है। बंदर आमतौर पर पेड़ों पे, घास के मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में ही जीवित रह सकते हैं। बंदरों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले प्राचीन दुनिया के बंदर जो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, और दूसरे नवीन दुनिया के बंदर जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। सन 2000 में जो विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को, वो 2000 में इसकी शुरुआत एक मजाक के रूप में हुई थी। नए बंदर जो आए हुए हैं उनके 36 दांत होते हैं, जबकि पुराने बंदरों के 32 दांत होते हैं। बंदरों की 260 जीवित प्रजातियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ब्राजील में पाई जाती है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बंदर एल्बर्ट 2 ही था। ये जो गया था साल 1949 में, और इसकी जो ऊंचाई थी वो 83 मील की ऊंचाई पर था, मतलब 133 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा बंदर जिसका नाम मैंड्रिल है, उसका वजन 35 किलो और लंबाई 3.3 फीट है। दुनिया का सबसे छोटा बंदर इतना छोटा है कि इंसान की हथेली पर भी आ सकता है। पिग्मी मार्मोसेट नाम से इस बंदर की लंबाई 4 इंच है और वजन ताश की गड्डी के बराबर, यानी कि 100 ग्राम होता है। बंदरों का आईक्यू लेवल 176 होता है। ये गिनती भी गिन सकते हैं। बंदर महिला साथी को संभोग के लिए लुभाने के लिए अपने हाथों पर पेशाब करती हैं और फिर उसे पूरे शरीर पर रगड़ लेते हैं। मरे हुए बंदरों के कच्चे और पक्के दिमाग को चीन और मलेशिया में बड़े चाव से खाया जाता है। साल 2011 में एक बंदर को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया था। वजह थी कि उसने भारत का बॉर्डर पार किया था। बोनोबो बंदर को इंसानों के सबसे नजदीकी रिश्तेदार पाया गया है। असल में ये हमारे उभयलिंगी हैं। बंदरिया अपने पेट में बच्चे को 134 से 237 दिनों तक रखती है और बंदरों की उम्र 10 से 50 साल तक होती है। अब तक सबसे ज़्यादा जीने वाले बंदर की उम्र 53 साल थी। मनुष्य के सिवाय केवल बंदर ही इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो केलों के छिलके उतार कर खाते हैं, और शायद आपको ना पता हो ये केले को उल्टा छीलते हैं।
कैपुचिन बंदर सबसे होशियार होता है। यह पत्थरों से अखरोट फोड़ लेता है, दरारों में डंडियां घुसेड़ सकता है, यहाँ तक कि लंबी छड़ी से सांप को भी पीट सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बंदरों के बारे में बताया, और भी बता देते हैं। बंदर फलों, फूलों और पत्तों के अलावा कीड़े और रेंगने वाले प्राणियों को भी खाते हैं। कभी भी बंदरों को आप छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो आप पर हमला कर सकते हैं। बंदरों को गिनती करना सिखाया जा सकता है। बंदरों के समूह को अंग्रेजी में ट्रूप कहा जाता है। चिंपांजी बंदर की एक किस्म है। अगर इन्हें आपने किसी उचित काम का फल ना मिले तो ये हमारी तरफ खींच जाते हैं। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में शोध किया गया है, जिसने एक ऐसा खेल तैयार किया है जिसमें फैसले लेने होते थे और जीतने पर खाने को चीज़ें मिलती थी। इसमें खेल में हारने वाले बंदरों को स्वादिष्ट केले के बजाय हल्का खीरा दिया गया, तो उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया की जिसे बंदरों की खींच कहा जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ बंदरों के बारे में, कि बंदर को हम हनुमान जी का अवतार मानते हैं, और हनुमान जी की तरह ही हमारे भारत में बंदरों की बहुत इज्जत की जाती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।